नागरिकता कानून को लेकर के बात हो रही है, NRC है, CA कहा जा रहा है, ये नागरिकता मतलब क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में NRC और CA को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जगह जगह हंगामे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, कहीं कहीं अगजनी हो रही है। लेकिन एक चीज़ खास गौर करने वाली है कि ये सारा जो मामला है, ये जो सारे फसाद चल रहे हैं, ये शहरी इलाकों में चल रहे हैं। NRC और CA को लेकर के हमारा ग्रामीण भारत क्या सोचता है, ये जानने के लिए आइए हम कुछ ग्रामीणों से पूछते हैं या जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या इस कानून के बारे में क्या पता है। ये जो कानून आया है जिसे NRC कहा जा रहा है, CA कहा जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या आपको? इस पर साहब हम लोग TV पे देखते हैं, समाचार देखते हैं, ये हम लोगों को नागमारा लगता है इस लिहाजे से कम हम लोग एकता बना के, हमारे अभी नखलों में हो रहा है, जो भी शहरों में हो रहा है वो हो रहा है, मगर हम लोग देहात में हैं, हम लोग अपना एकता बना के जी रहे हैं और इसी जिंदगी काटना, एकता जिंदगी काटना चाहते हैं। अब जो जो दंगे फसाद जो हो रहे हैं, ये मांग की जा रही हैं, तो ये शहर वाले लोगों जान सकते हैं, हम लोग तो कुछ जान नहीं सकते सर। हम लोग गांव के निवासी हैं, हमारे गांव में कोई हंगामा नहीं होता, हम लोग गांव में अपना एकता बना के रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई। NRC को लेकर के मान के लिए कि 70% लोग तो जानते ही हैं, असम का दूसरा मैटर है और ये पूरे हिंदुस्तान का दूसरा मैटर है। फिलहाल के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बताइए, 4-5 दिन पहले बड़ा बवाल मचा था, अभी भी मचा हुआ है, एक नागरिकता बिल को लेकर के कानून है, कुछ जानकारी है आपको कि क्या है? भैया हमका तो नहीं मालूम है जानकारी, लेकिन ये जो हंगामा चल रहा है, बवाल चल रहा है, उसको लेकर के आपके गांव में कुछ चीज़ है क्या, दहशत है या भय है? नहीं, ना तो यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, कोई लड़ाई दंगा वाला कोई मसला नहीं है हमारे पास। सलाम होता है, दुआ होता है, राम जोहार होता है, कोई यहाँ पे लेना देना लड़ाई झगड़ा का नहीं। ये हम सुने कि मार तोड़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब इसके विषय में ये नहीं पता कि काहे के लिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हम लोग यहाँ इंडिया में पैदा हुए हैं, अब इतने बड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप यहीं के हैं, और हम लोग रहते रहते ये सोच लो कम से कम 45-50 साल के, 50 साल से नीचे नहीं हम लोगों को हो गए, तो हम लोग आधार कार्ड भी यहाँ का है, पहचान पत्र भी यहाँ का है। कुछ लोगों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो लोग डरे हुए हैं कि उन्हें भारत से भगा दिया जाएगा, इस तरह का उनके अंदर भ्रम फैला हुआ है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भगा कैसे देंगे, जब इंडिया के हो, यहाँ के बासिंदा हो, गवर्नमेंट जो है वो खुद कोई ना कोई सुविधा देगी। अगर से आधार कार्ड नहीं आप बनवा पाए हैं, किस लिए नहीं बनवा पाए हैं, आप उसको इतला गवर्नमेंट को दीजिए, वो खुद ही कोई ना कोई सुविधा तुम्हारा करेंगे। अरे विरोध तो करवे करी है, विरोध कहे ना करी है भाई, धर्म के आधार पर संविधान के मूल भावना खिलाफ है ना जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है एक्ट हो गया, अब तो बिल का है, तो संविधान के मूल भावना खिलाफ है ना, धर्म के आधार पर मतभेद हो रहा, भेदभाव हो रहा। लेकिन ये बात कितने लोगों को पता है? बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं है, बस मुझवानी सुन रहे हैं। अरे बहुत सारे लोगों को तो यो नहीं पता नेता सही चुना जाए कि नहीं, वह विवेक नहीं, लेकिन वोट तो डारत है ना, नेता चुनत वही प्रधानमंत्री बनत, तो सब चला करत। गाँव के अजीत जी ये बताइए, जो ये NRC बिल है, NRC है, CA है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी यह है कि भाई जो हियाँ नागरिक है वो हियाँ रही, विदेशी बाहर चले जी हैं, और जो हिंदू हैं विदेशी वो हियाँ ही हैं, बस यो है जानकारी। और का है ग्रामीण भी जहाँ तक उनका पता है, मतलब जो मोदी जी बताए ने पेपर से पता चला, यही सब है कि जो हो रहा सही हो रहा है। कुछ दिन पहले लखनऊ में हिंसा हुई और अलग अलग राज्यों में हुआ, तो वो क्यों हुआ था? अरे कुछ नेतन के करतूत हुआ है, कुछ आम पब्लिक के जो समझ नहीं पावत हैं उनकी वजह से उत्पात हुआ सब। यू गांव सब लोग मिलजुल कर रहा थे, उनका एक दूसरे से लगाव अच्छा हुआ था, इसलिए यहाँ हिंसा का वो न हुई। वो जैसे हमारे गांव में मान के लिए मुस्लिम एक भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई उसकी उतना ना बवाल है ना कोई जानकारी है, और जहाँ मुस्लिम एरिया है वहाँ पर जो है बवाल भी जो हो रहा है वो शहरी क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन गाँव में एक भी बवाल नहीं हुआ है। हाँ गाँव में नहीं हुआ है, क्योंकि गाँव में लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं,